मुझे तो बस एक एक खुराफाती बात सूझ रही है कि सात लोगों को पकड़ो और उनका हृदय निकाल लो। मार्कंडे, तुम्हारी मृत्यु का समय आ गया है। हम तुम्हारे प्राणों को तुम्हारे शरीर से अलग करने के लिए आए हैं। तुम मूर्ख हो, तुमने अपना स्वर्ग सिद्ध करने के लिए तुमने मासूम पेड़ों की हत्या कर दी। इन पेड़ों में भी प्राण होते हैं। मुझे आपका उत्तर पता चल गया ऋषिवर। कुछ घंटों के लिए ही सही, लेकिन पेड़ बनकर मैंने यह महसूस किया कि यह पूरा का पूरा संसार वनस्पति, पेड़ पौधे और पशु और शिशुओं पर ही टिका हुआ है। मानव इतनी तेज गति से पेड़ काट रहा है, इसीलिए हवा में प्रदूषण भी बढ़ रहा है और कई पशु पक्षी और पेड़ पौधे विलुप्त हो गए। और जिस दिन ये प्रकृति और मनुष्य के बीच का संतुलन खत्म हो जाएगा, ये प्रकृति भी उस दिन खत्म हो जाएगी। उत्तम, अति उत्तम, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया है शील कुमार। मैं तुम्हारी बुद्धिमता से अति प्रसन्न हूं, किंतु मैं दुखी हूं। मैंने न जाने कितने युग देखे हैं। पहले का मानव आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति चाहता था और इसलिए उसने उन्नति की, किंतु आज का मानव बौद्धिक सुख की प्राप्ति चाहता है और इसलिए उसने प्रकृति को दूषित कर दिया है। और जिस दिन प्रकृति के अंतिम संयम की सीमा भी टूट जाएगी, उस दिन इस संसार का विनाश निश्चित है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं, भगवान इस संसार के मनुष्यों को सद्बुद्धि दे, ताकि इस प्रकृति के बिगड़े हुए संतुलन को ठीक करने के लिए प्रयास कर सके। शील कुमार, जैसा मैंने कहा था कि यदि तुमने मेरे प्रश्न का सही उत्तर दिया तो मैं तुम्हें पहेली का तीसरा भाग अवश्य दूंगा। शील कुमार, ये रहा तुम्हारी तीसरी पहेली का तीसरा भाग। बधाई हो, आप दोनों ने समय रहते ये चुनौती भी पूरी कर ली और मार्कंडे जी से पहेली का हिस्सा भी पा लिया। मोती जी, ये रहा पहेली का तीसरा हिस्सा। आप जानती हैं, देखिए हमने वक्त से पहले ही अपना कार्य पूरा कर दिया तीसरा पड़ाव। लेकिन वो मार्कंडे जी ने भी एक तख्ती लकड़ी का टुकड़ा हाथ में पकड़ा दिया, उस पर लिखा है प्रार्थना। पहले सात, फिर हृदय, फिर प्रार्थना। समझ में नहीं आ रहा ये क्या पहेलियां हो रही हमारे साथ। जहां तक मेरी बुद्धि दौड़ती है मणि जी, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे सात हृदयों को ढूंढो और उनकी प्रार्थना करो, लेकिन वो सात हृदय, सात इंसान कहां से ढूंढे। रुको शील कुमार, अभी तो तुम्हें इस पहेली के केवल तीन ही हिस्से मिले हैं, अब तुमको पहेली का चौथा हिस्सा भी प्राप्त करना होगा। उसके बाद ही तुमको इस पहेली का पूरा अर्थ समझ में आएगा और तभी तुम जान पाओगे कि तुम्हें आगे करना क्या होगा। इस पहेली का अंतिम भाग तुम्हें महायोद्धा
अश्वत्थामा के पास मिलेगा। धर्मराज युधिष्ठिर, हमें किसी भी प्रकार से गुरु द्रोणाचार्य को पांडव सेना को ध्वस्त करने से रोकना होगा, अन्यथा हम युद्ध में पराजित हो जाएंगे। आप उचित कह रहे हैं वासुदेव, परंतु हम क्या कर सकते हैं? हम सब इस बात से भली भांति परिचित हैं कि गुरु द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा से बहुत अधिक स्नेह करते हैं और हमें उनके इसी स्नेह का लाभ उठाना होगा। हमें उन तक ये समाचार पहुंचाना होगा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा वीर गति को प्राप्त हो चुका है। उसी समय वो अपने सारे शस्त्र त्याग देंगे और उसी क्षण उनका वध करना संभव हो पाएगा। धर्मराज युधिष्ठिर, अब आपको ही उनके पास जाकर ये समाचार देना होगा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा वीर गति को प्राप्त हो चुका है। ये आप क्या कह रहे हैं वासुदेव? ये अधर्म है, ये असत्य है। धर्मराज युधिष्ठिर, इस धर्म युद्ध में अधर्म का सहारा लेना अधर्म नहीं है, और आपको तो बस इतना ही कहना है कि अश्वत्थामा मारा गया, जबकि आपके ऐसे कहने से पूर्व ही अश्वत्थामा नामक हाथी का वध भीम कर चुके होंगे। और ये सूचना भी भ्राता भीम उनके पास पहुंचाएंगे और आप इस अधर्म से भी बच जाएंगे। दृष्टद्युम्न, क्या ये नीति सही है? ये सत्य नहीं हो सकता। मेरा पुत्र अश्वत्थामा, नहीं, नहीं, नहीं। पांचों पांडवों की अधर्म नीति का यही फल है।
बताता हूँ महारानी। यहाँ जो कुछ भी घटित हुआ इस सब का एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है और वो है द्रोण पुत्र अश्वत्थामा। ये लो द्रौपदी, ये रहा तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा। तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा तुम्हारे सम्मुख है। अब तुम्हें ही इसके भाग्य का निर्धारण करना है। इसे दंड देने का अधिकार केवल तुम्हें ही है। आर्यपुत्र, ये मेरे पुत्रों का हत्यारा अवश्य है, किंतु मैं ये नहीं भूल सकती कि ये एक ब्राह्मण पुत्र भी है। इसकी हत्या करना ब्रह्म हत्या करने के समान होगा और इसकी मृत्यु से गुरु माता कृपि मेरे ही समान पुत्र वियोग के शोक में डूब जाएंगे। और मैं नहीं चाहती कि मेरे समान किसी और की माता पुत्र वियोग का शोक सहे, किंतु इसको इसके किए का दंड तो अवश्य मिलना चाहिए। इसके मस्तिष्क से मणि को अलग कर दीजिए, यही इसका दंड होगा। और ये आजीवन अपने कर्मों का पश्चाताप करता रहेगा। अर्जुन, अब तुम ही इस अधर्मी अश्वत्थामा के मस्तिष्क से मणि निकालो। ठहरिए वासुदेव, आप मुझे बंधन मुक्त कर दीजिए। मैं ये मणि स्वयं निकाल के आपको दे दूंगा। वासुदेव, अश्वत्थामा, यही तुम्हारे कर्मों का दंड है। तुम्हारा अपराध इतना जघन्य है कि तुम उसका दंड इस जन्म में नहीं भोग सकते। तुमने अपनी व्यक्तिगत लड़ाई की वजह से इस संपूर्ण सृष्टि को परेशान करने की चेष्टा की है और इसका दंड ये है कि तुम इसी पीड़ा और अपमानित दशा में कलयुग के अंत तक जीवित रहोगे। किंतु तुम्हारे मन को कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। तुम्हारा मन तुम्हें सदा कचोटता रहेगा। तुम अपने अपराधों को कभी भूल नहीं पाओगे। पहेली के चौथे भाग को पाने के लिए आप दोनों को हिमालय के इसी भाग में चिरंजीवी अश्वत्थामा को ढूंढना होगा और उनसे पहेली का अंतिम भाग प्राप्त करना होगा। माते, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी मंजिल से हम थोड़ी सी दूरी पे हैं। हमें जल्द से जल्द तो अश्वत्थामा, महायोद्धा अश्वत्थामा से वो चौथा पहेली का भाग हासिल करना है। Thank you.
माँ, ये रास्ता तो सचमुच इतना अद्भुत है, कोई सोच भी नहीं सकता कि हिमालय पर्वत पे इतनी बड़ी सुरंग हो सकती है। ऐसा अद्भुत नजारा मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा माँ। ये तो अपने आप में एक अजूबा है। हाँ, आ रहा हूँ माँ। माँ एक मिनट संभल के, माँ संभल के, संभल के माँ। माते, मैं तो बोलता हूँ यहाँ से भाग चलो, ये तो अभी हम सबको खा जाएगा। जी कुमार, ये यति नहीं है, ये अश्वत्थामा है। देखो उनके सर पर मणि निकालने का घाव है, रक्त बह रहा है। ये कैसे पता चला कि मैं अश्वत्थामा हूं? आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? आप तो माता वैष्णवी हैं ना? मैं आपको पहचानने में कदापि चूक नहीं कर सकता। आप माता वैष्णवी हैं ना? हाँ अश्वत्थामा, तुमने ठीक पहचाना, मैं वैष्णवी हूँ। अब तुम शांत हो जाओ, क्रोध ना करो। माते, आपने मुझे दर्शन देकर मेरे शापित जीवन को सुधार दिया है। माते, सुधार दिया है। आज मैं धन्य हो गया माते, मेरा जीवन सार्थक हो गया। ओ, 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 फिर से गायब हो गया। अरे अब हम उसे कार ढूंढेंगे, वो तो विलुप्त हो गया माँ। अब तक जितने भी योद्धाओं से हम मिले, ये सबसे बिल्कुल विचित्र है, सबसे अलग अनोखा है। शील कुमार, अश्वत्थामा अपने पाप का प्रायश्चित कर रहा है। दुख और पीड़ा के कारण ये इस दशा में है। वो युगों से अपने पीड़ा को सहन कर रहा है। बलि ले ले, जा बलि। दोनों सब पर आता। एक मिनट माते, माते एक मिनट रुक जाइए। अगर आपकी ये जंगली लोगों से बातें खत्म हो गई हो तो अभी आगे क्या करें ये मुझे बताओ तो सही। वो विलोप हो गया है और हमें अश्वत्थामा जी को ढूंढना है, पहली का चौथा जवाब ढूंढना है और हमारे पास वक्त बहुत कम है। चलिए माँ। श्री कुमार चुप रहो।
क्षमा के बारे में पूछ रही हूँ और इन्होंने ही मुझे एक रास्ता बता दिया है। ओह वेरी गुड वेरी गुड। अच्छी अच्छी, तो बताइए कहाँ विलोप हो गए हैं महायोद्धा वाले, जल्दी बताइए। वाह इतनी सारी बर्फ ही बर्फ, वाह आगे रास्ता ही नजर नहीं आ रहा, जाएंगे कहाँ? अरे माँ ये फिर से शुरू हो गई आप खुसुर फुसुर, और ये पता नहीं जाए 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 करते जाने ये बन मारू। अबे ओए क्या बकवास कर रहा है तू, माँ ये क्या बोल रहे? शील कुमार इसका कहना है अशोक धामा पास के गुफा में ही रहते हैं और वहाँ तक पहुँचना मुश्किल नहीं होगा। इन्होंने कमाल है, आपको भी दुनिया की सारी भाषाएं आती है। माँ चलो फिर जल्दी टाइम वेस्ट नहीं करते, चलो चलते अंदर। शील कुमार जब तक उसकी पीड़ा शांत नहीं होती वो कुछ नहीं बताएगा, इसलिए हमें सबसे पहले उसकी पीड़ा को शांत करने के लिए कुछ उपाय करना होगा जिससे वो बात भी कर सके हमारी मदद भी कर सके। नहीं नहीं माँ हम कोशिश करेंगे, लेकिन उसका उपाय बताइए माँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा, महायोद्धा अश्वत्थामा की पीड़ा कम करने की पूरी कोशिश करूंगा। शील कुमार हिंद पुरुष का कहना है अश्वत्थामा की पीड़ा यहाँ मिलने वाले पीड़ा हर एक बूटी के लिप से कुछ देर के लिए शांत हो सकती है, इसलिए हमें उसे ढूंढना चाहिए। अरे बात है, माँ इतनी सारी बरस, इतनी लंबी सुरंग, इतने तारे फूल फूलों की वादियाँ पहाड़ों से ढकी, हम सही जगह पहुंच गए हैं। माँ क्या कहा था, ज्यादा से ज्यादा श्वेत रंग की पंखुड़ियों वाला फूल। हाँ याद आया, आपको फूल चाहिए क्या? शील कुमार याद है ना उस हिमपुरुष ने कहा था हमें किसी भी हाल में इनके बोलने पर ध्यान नहीं देना है। कितना समझाऊं मैं तुम्हें, फंस जाओगे फिर मेरे पास आओगे। हाँ माते हाँ हाँ, चलिए 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 चलिए, लेडीज फर्स्ट। माँ अरे माँ मेरे लिए रुकिए। अरे माँ आज आपने बचा लिया, नहीं तो मैं तो मर ही गया होता।
हे ईश्वर, बड़ी असहनीय है ये पीड़ा। माँ, गुरुदेव दर्द से कराह रहे हैं, कुछ कीजिए माते। श्री कुमार, तुम यहीं रुको, मैं अभी आई। ठीक ठीक है माते, ठीक है। माते, पीड़ा असहनीय है, बहुत दर्द से करा रहे हैं, कुछ जल्दी कीजिए ना। ऋषिवर को बहुत दर्द हो रहा है। ये पीड़ा कुमार, यही है तुम्हारी पहेली का चौथा भाग। बातें ले लूं? लाइए। माते माते, चौथी उपलब्धि माँ, ये देखिए ये देखिए ये देखिए। बधाई हो, आप दोनों ने इस पहेली के चारों हिस्सों को ढूंढकर इसे पूरा कर दिया है। अब आपको इस पहेली को सुलझाकर इसका उत्तर ढूंढना होगा। तभी साक्षी और उसकी दोनों बेटियां उस सर्प के श्राप से मुक्त हो पाएंगी। ये चार तख्तियां तो हमको मिल गई, क्या इसे गले में लटका के घूमना पड़ेगा बाजार में दर दर? इसका अर्थ तो समझाइए, आगे भी तो बढ़िए। वो ऋषि परशुराम जी जो हैं, उनसे जो तख्ती मिली उस पर सात लिखा हुआ है, और जो मार्कंडेय ऋषि थे उनसे जो मिला है उस पर लिखा हुआ है प्रार्थना, और राजा बाली जो थे, बाली जी हमारे, उस पर जो लिखा हुआ है उस तख्ती पर, उस पर लिखा हुआ है हृदय। अब इस पर लिखा हुआ है मां सात प्रार्थना हृदय मां। ये पजल क्या है, जरा सॉल्व कर दीजिए ना मोती जी प्लीज। इस पहेली का अर्थ है सात महान माताओं द्वारा सच्चे दिल से की गई प्रार्थना। यदि ये माताएं सच्चे दिल से साक्षी के लिए प्रार्थना करें, तभी साक्षी को श्राप से मुक्ति मिलेगी। इस संसार में सातों माताएं महान हैं और उनका स्थान बहुत ऊंचा है, किंतु साक्षी को श्राप से मुक्त कराने के लिए सबसे पहले आप लोग आशीर्वाद लेने उस महान नाग माता के पास जाएंगे जिनका नाम उलोपी है। माता उलोपी एक नाग कन्या है जिनका विवाह महारथी अर्जुन से हुआ था। ये बात उस समय की है जब द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बन चुकी थी। पांचों भाइयों के बीच द्रौपदी को लेकर कोई मनमुटाव ना हो, इसलिए उन सब ने एक नियम बना लिया था कि हर पांडव द्रौपदी के कक्ष में उसके साथ एक वर्ष तक रहेगा, और उस बीच कोई और भाई वहां जाकर उनके एकांत को भंग नहीं करेगा, और यदि किसी ने भी
ये नियम तोड़ा तो उसे 12 वर्ष के लिए महल त्याग कर देशाटन पर निकलना होगा। तुम यहाँ? उस नियम को भूल गए जिस नियम के अनुसार हम भाइयों में से कोई एक भाई अपने निर्धारित समय काल के अतिरिक्त कोई द्रौपदी के कक्ष में नहीं आएगा। क्षमा कीजिए भ्राताश्री, मुझे अपने नियम भली भांति स्मरण है। मैं यहाँ केवल द्रौपदी के कक्ष में अपना धनुष बाण लेने आया था। बाहर एक ब्राह्मण मुझसे मदद मांगने आया है। कुछ अधर्मी लोग उस ब्राह्मण की गायों को हरण करके लेके जा रहे हैं और मैं उस ब्राह्मण की मदद करने से मना नहीं कर सकता, इसलिए मैं यहां धनुष लेने आया था। मैं जानता हूं भ्राताश्री कि मैंने यह अधर्म किया, लेकिन मैंने अपने क्षत्रिय धर्म को निभाया भी है। किंतु मुझे ज्ञात है अब मुझे 12 वर्ष के लिए देशाटन को जाना होगा। किंतु मैं 12 वर्ष के बाद अवश्य ही लौट आऊंगा। मुझे आज्ञा दीजिए भ्राताश्री। द्रौपदी, मैं तुमसे भी क्षमा चाहता हूं। अब आज्ञा दीजिए। नाग कन्या हूं। तो तुम्हें नाग कन्या हो? हाँ कुंती पुत्र अर्जुन, मैं एक नाग कन्या हूं। मेरा नाम उलूपी है। मैं ऐरावत वंश की नागराज कौरव्या की पुत्री हूँ। हे कुंती पुत्री, मैं आपसे अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करने लगी हूँ। आपसे विवाह करना चाहती हूँ। देवी, मैं भी तुमसे प्रेम करने लगा हूँ, किंतु हमारा विवाह संभव नहीं है, क्योंकि तुम एक नाग कन्या और मैं एक मनुष्य। क्या हुआ आर्य पुत्र, कहाँ खो गए? मैं आपसे केवल इतना कहना चाहती हूँ कि अब मेरा आपके बिना जीवित रहना संभव नहीं है। मैंने जिस क्षण आपको देखा उसी क्षण से आपको अपना पति मान चुकी हूँ। यदि आपने अब भी मुझे स्वीकार नहीं किया
तो मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूंगी। देवी, मैं जान चुका हूं कि तुम्हारे मन में मेरे लिए कितना प्यार है। अब तुम्हें अस्वीकार करके मैं तुम्हारे प्रेम का अनादर नहीं करना चाहता। मैं तुमसे अवश्य ही विवाह करूंगा। मुझे स्वीकार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी। आपने मेरे जीवन को सफल बना दिया। किंतु विवाह के पूर्व मुझे मेरे पिताश्री से आज्ञा लेनी होगी और उसके लिए आपको मेरे साथ नागलोक चलना होगा। आयुष्मान भव। वीर अर्जुन ने अपनी वीरता का प्रमाण दे दिया है और यह हर तरह से सिद्ध हो गया कि वो हमारी पुत्री राजकुमारी उलोपी के वर बनने योग्य है। अतः हम ये घोषणा करते हैं कि वीर अर्जुन का विवाह राजकुमारी के साथ होगा। तैयारियां शुरू की जाएं। और इस प्रकार उलोपी के पिता की आज्ञा के साथ अर्जुन और उलोपी का विवाह हुआ और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये देखिए स्वामी, हमारा पुत्र इरावन। कितना सुंदर नाम है ना, इरावन। क्या हुआ स्वामी, आपको अपने पुत्र को देखकर हर्ष नहीं हुआ? नहीं उलोपी, मुझे अपने पुत्र को देखकर बहुत हर्ष हुआ है, किंतु किंतु क्या स्वामी? किंतु मुझे यहां से जाना ही होगा। उलोपी, मुझे अपने राज्य से 12 वर्ष के देशांतरण के लिए निकाला गया और उसी वक्त तुम मुझसे मिली और तुमने मुझसे विवाह करने की इच्छा रखी। मेरा मन भी तुम्हें चाहता था, इसलिए मैंने तुमसे विवाह किया और तुम्हें पुत्रवती होने का सुख दिया। किंतु मुझे अपने राज्य लौटना होगा। नहीं नहीं स्वामी, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं आपके बिना कैसे जीवित रह पाऊंगी? नहीं उलोपी, मुझे यहां से जाना ही होगा। अब मुझे जाने की आज्ञा दो। ठीक है स्वामी, अगर यहां से जाने में ही आपकी खुशी है तो मैं आपको रोकूंगी नहीं। मैं आपके समीप तो नहीं रह सकती, किंतु किंतु अपनी साधना के द्वारा सदैव आपके समीप होने का आभास तो कर सकती हूँ। मायावी दर्पण के द्वारा मैं आपके दर्शन कर पाऊंगी। इससे मुझे पता चलता रहेगा कि आप कुशल मंगल से हैं और इसके द्वारा मैं आपके दर्शन भी कर पाऊंगी। ध्यान रखना, अब मुझे आज्ञा दो। और इस प्रकार अर्जुन देशाटन पूरा करने के लिए उलोपी को छोड़कर आगे निकल गए। उलोपी उनकी याद के सहारे जीने लगी और अपने पुत्र के लालन पालन में लग गई। उलोपी थोड़े थोड़े समय के पश्चात अपने दिव्य दर्पण से अर्जुन को देखती रहती थी।
और प्रसन्न हो जाती थी। चित्रांगदा, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। देवी, अपने नवीन जीवन की शुरुआत करने से पहले मैं तुम्हें अपने जीवन की कुछ सच्चाइयों से परिचित कराना चाहता हूं। आप ही की तरह मेरी दो और धर्म पत्नियां हैं, महाराजा द्रुपद की पुत्री महारानी द्रौपदी और नागलोक की राजकुमारी उलोपी। क्या तुम मुझे और मेरी दोनों पत्नियों को स्वीकार करोगी? क्यों नहीं स्वामी, मेरे लिए तो आपका प्रेम ही सर्वप्रिय है। प्रेम पाने का नहीं, त्याग का नाम है। और आप हम सब में किसे कितना प्रेम देते हैं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मेरे लिए तो आपका प्रेम ही सब कुछ है। मेरे लिए तो यही परम सुख की बात है कि आप मुझे प्रेम करते हैं, और आपके इसी प्रेम को पाकर मैं स्वयं को भाग्यशाली समझती हूँ। ये मुझसे क्या पाप हो गया? मैंने अपनी ईर्ष्या के कारण राजकुमारी चित्रांगदा के जीवन को संकट में डाल दिया, और इसका प्रेम तो मेरे प्रेम से कहीं अधिक महान है, और इसका हृदय समुद्र की गहराइयों से भी कहीं अधिक बड़ा है। ठहरो। ठहरो राजकुमारी चित्रांगदा, ये जल मत पीजिए, ये जल विषैला है। लोपी, तुम यहाँ? हाँ स्वामी, मैं यहाँ राजकुमारी चित्रांगदा को मारने का निश्चय करके ही आई थी, और इस जल को मैंने विषैला कर दिया था। मेरे मन की ईर्ष्या ने मुझे ऐसा करने पर विवश कर दिया था, किंतु यहाँ आकर मुझे पता चला कि राजकुमारी चित्रांगदा का प्रेम तो मेरे प्रेम से कहीं अधिक बढ़कर है। ऐसी महान स्त्री की हत्या करके मैं पाप की भागी नहीं बनना चाहती। मेरे इस पाप के लिए आप दोनों मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं महारानी, आप क्षमा मत मांगिए। अब मुझे आज्ञा दीजिए। और कुछ ही समय पश्चात राजकुमारी चित्रांगदा ने अर्जुन के पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया बाभरुवाहन। किंतु एक दिन अर्जुन को
चित्रांगदा और अपने पुत्र को छोड़कर जाना पड़ा। अब मेरे जाने का समय आ गया है प्रिय, अब मुझे तुम्हें और अपने पुत्र को छोड़ के जाना ही होगा। आज्ञा दीजिए प्रिय। मैं आपके बिना किस प्रकार जीवित रह पाऊंगी स्वामी? चित्रांगदा, चित्रांगदा, तुम स्वामी के जाने से व्यथित मत हो। इस समय का आना तो निश्चित ही था ना? मैं सदैव तुम्हारी एक बहन की भांति ध्यान रखूंगी। स्वामी, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं आपके पुत्र को आपसे भी अधिक वीर और पराक्रमी योद्धा बनाऊंगी। ये क्या हो रहा है देवराज? इस स्वर्ग में एक कंपन कैसे? ये तो ऋषि विश्वामित्र है। यदि इस ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग न की गई तो ये निश्चय मेरे सिंहासन को छीनने का प्रयत्न अवश्य करेगा। महाराज, ये स्त्री स्वयं को आपकी पत्नी बताती है। मेरी पत्नी? देवी तुम कौन हो और स्वयं को मेरी पत्नी कहने का झूठ क्यों बोल रही है? ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? माता